अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं खुर्रम टेक्निकल। दोस्तों आज किसी वीडियो में हम क्लॉक को हैंग करने वाले हैं वॉल के ऊपर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने इसको अनबॉक्स किया था, इसका पूरा रिव्यू दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकती हैं। उस वीडियो में मैंने उसका मुकम्मल रिव्यू किया था। इस वीडियो में मैं इसको हैंग करने वाला हूँ वॉल के ऊपर। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके कुछ पीसीज हैं और इनको हम लगाएंगे और किस तरह से लगाना है ये भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। किसके साथ लगाना है और कैसे लगाना है पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने किसी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इसके साथ डबल टेप आती है, डबल टेप की मदद से हम इसको वॉल के ऊपर हैंग करने वाले हैं। आप इसके लिए केल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो ये लगाने वाला हूँ वो डबल टेप का यूज़ करूँगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम जाए कि हम अपने इस क्लॉक को लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखें, ये मशीन है मेरे पास। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो इसका ये वाला, इसको मैं यहां से इसको उतार लूंगा। इसके स्क्रूज को यहाँ से मैं ढीला कर लेता हूँ। इसको ढीला कर लेने के बाद इसको उतार लूंगा, क्योंकि जब इसको पहले वहाँ पे हैंग कर लेंगे उसके बाद इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल टेप लगाने वाला हूँ। ये देखें, केल की भी जगह बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी इसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं जो लगाने वाला हूँ वो डबल टेप का यूज़ करूँगा और इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल टेप लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डबल टेप है, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। जो साथ मिलती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे जितना इसका पार्ट है इतना हिस्सा है इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला इसका हिस्सा इससे यहाँ से ये कट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा। इसके ऊपर वाली शीट को उतारेंगे और इसको यहाँ से लगा देंगे। ये डबल टेप हो चुकी है, उसके बाद हम इस सुइयों को यहाँ पे इस तरह से फिक्स करेंगे। अब इसको यहाँ पे मैं फिक्स करने वाला हूँ, एडजस्ट करना है इसके ऊपर, इसको उसको टाइट कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये लग चुका है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा करूँगा। इसको अच्छी तरह से मजबूती के साथ आपने लगाना है। सबसे पहले जो ये वाली सुई छोटी लगेगी, उसके बाद इससे जो बड़ी सुई है मिनट्स वाली वो लगानी है। तो ये देखें, दो सुइयाँ लग चुकी हैं। इसके बाद अब तीसरी सुई इसमें ऐड करते हैं ये लगाने के लिए भी। ये मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखें लग चुकी है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से चलना स्टार्ट हो गया है। तो इसका टाइम फिक्स करते हैं। टाइम फिक्स करने के बाद आपको इसका टाइम सेट करते हैं। जी तो 2:20 हो चुके हैं, ठीक है, ये टाइम फिट हो गया। अब इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक और टेप यहाँ पे इसका यूज करूंगा। अब इसको उतारते हैं, उतारने के बाद इसको लगाते हैं। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है टेप। अब उसके बाद इसको बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर आपने लगाना है ताकि ये कहीं से टेढ़ा ना हो। तो ये लग चुका है उसका दूसरा पार्ट, ये वाला लगाते हैं। इसको लगाने के लिए इसके ऊपर टेप लगाएं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने डबल टेप का यूज किया है। इसको रिमूव करेंगे ऊपर वाला हिस्सा, इसको यहाँ पे हैंग करेंगे। एक तरफ से और दूसरी तरफ से। ये आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको हैंग करने वाले हैं। हैंग करने के लिए साथ में आपने इस
दोनों साइड का यूज करना है ताकि ये टेढ़ी ना हो। तो सबसे पहले मैं इसको एक लगाऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर भी आपने टेप लगा लेनी है दोनों साइड पे। इसको उतारने के बाद इसको भी लगाते हैं। तो दो पार्ट्स लग चुके हैं, अब इसे आप ट्राई करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर भी टेप लगा लेते हैं और ये लगाने के बाद बाद ये टेप लग चुकी है। इसके बाद इसके जो हिस्से वो यहाँ से आप इसको भी लगाते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये यहाँ पे फाइनल हो चुका है और आप ये देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पे इस तरह से लग चुका है। उसके बाद अब छोटा सा और रहता है और वो क्या है, वो है ये वाला, ये भी लगाएंगे फिर लुक देखिएगा आपको। तो गाइस ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने टेप को लगा दिया, ये देखिए ये इन हिस्सों पे मैंने टेप लगाई है। इसको भी हम पहले रिमूव करेंगे उसके बाद इसको लगाएंगे। टेप उतर चुकी है, इसको भी वहां पे हैंग करते हैं। तो ये जहां पे इसका एंगल बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे मुझे यहाँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है क्लॉक लगने का वो कम्प्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारी वॉल की जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर बताना है और बताना है कि आपको ये जो क्लॉक है वो किस तरह का लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।